अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जायका विद रूबी। आज हम कढ़ी पकौड़ी बनाएंगे जो बहुत ही जायकेदार और बहुत ही डिलीशियस बनेगी। तो देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। हाफ लीटर बटर मिल्क, आधा किलो छाछ है ये, बेसन लिया है मैंने आधी कटोरी, मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून सॉल्ट, 2 चम्मच नमक है ये, और ये 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, रेड चिल्ली पाउडर, और ये 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, टर्मरिक पाउडर, ये 1 छोटा चम्मच गरम मसाला है, ये 2 हरी मिर्च है जिन्हें मैंने धो के ऐसा बारीक बारीक काट लिया है, और ये 1 चम्मच जिंजर पेस्ट है। आप जिंजर को ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हो। एक बर्तन में मैं सबसे पहले छाछ को डाल दूंगी, फिर उसके बाद मैं उस छाछ में ये बेसन भी डाल दूंगी जो मैंने लिया था। एक विस्टर की मदद से इसे ऐसे अच्छे से मिला लेना है, मिक्स कर लेना है छाछ में बेसन को। फिर इसमें मैं 1 गिलास पानी भी डाल दूंगी जिस बर्तन से मैंने छाछ लिया था उसी से। फिर उसके बाद मैं ये जो मसाले मैंने लिए थे ये भी इसमें इसी वक्त डाल दूंगी। फिर इन्हें भी बहुत अच्छे से मिला लेना है, मिक्स कर लेना है आपस में। और फिर मैं यहीं पर जो मैंने ये जिंजर पेस्ट और हरी मिर्च ली थी वो भी यहाँ पर ऐड कर दूंगी, और फिर इन सबको बहुत अच्छे से मिला लेना है। बेसन की जो भी लम्स हो वो एकदम मिक्स हो जाए। ये देखिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, मुझे ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें 1/2 गिलास पानी और डाल दूंगी। मैंने इसे गैस पे रख दिया है पकने के लिए, फुल फ्लेम पे इसे लगातार चम्मच चलाते हुए पकाना है, क्योंकि अगर हम चम्मच नहीं चलाएंगे तो इसमें लम्स बन सकते हैं। मैं इसे ताजा छाछ से बना रही हूँ, अगर आपको थोड़ा सा खट्टा पसंद है तो आप छाछ को 1 दिन के लिए रख दें, फिर दूसरे दिन बनाएं तो उससे फिर खट्टापन आ जाता है कढ़ी में। ये देखिए अब ये थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होने लगी है, अब ये पकने लगी है, हमें इसे उबाल आने तक लगातार चम्मच चलाते रहना है। ये देखिए अब इसमें उबाल आ गया है, अब मैं इसे स्लो फ्लेम पर थोड़ी देर तक पकने के लिए रख दूंगी, और जब तक ये स्लो फ्लेम पे पकती रहेगी तो मैं अपनी पकौड़ी की तैयारी कर लेती हूँ। ये मैंने एक बड़ी कटोरी में बेसन लिया है, ये तकरीबन 250 ग्राम बेसन था जिसमें से 50 ग्राम मैंने इसे छाछ के साथ कढ़ी बनने में डाल दिया है। अब ये 200 ग्राम बेसन है जिसकी मैं पकौड़ी बनाऊंगी। ये एक मीडियम साइज का प्याज है जिसे मैंने धोकर ऐसे काट लिया है, और ये 2 हरी मिर्च है इसे भी मैंने धो के ऐसे काट लिया है। प्याज पकौड़ी में ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे हटा भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। ये 1 टीस्पून नमक है, और ये 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, ये 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन है। सबसे पहले मैं एक बर्तन लेके उसमें बेसन डालूंगी, उसके बाद मैं इसमें मैंने ये जो भी प्याज और मसाले वगैरह लिए थे ये भी सब इसमें यहाँ पर डाल दूंगी। मैं इसमें 1/2 छोटा चम्मच सोडा भी डाल दूंगी। अब 1 ग्लास में थोड़ा सा पानी लेकर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी, और इसे भी मैं मिलाती जाऊंगी। ऐसे हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसे ऐसे फेंटते जाना है। इसको हमको ऐसा रखना है, न ज्यादा पतला न ज्यादा गाढ़ा। ये देखिए अब ये बिल्कुल वैसा ही तैयार हो गया है फेंट कर जैसा मुझे चाहिए था। अब ये पकौड़ी बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने इसे दूसरे स्टोव पे रख दिया है पकने के लिए, और यहाँ पर मैंने एक बर्तन में ऑयल ले लिया है। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें अपनी पकौड़ियाँ डालती जाऊंगी। ये देखिए ये कैसे पक रही हैं। अब मैं इन्हें पलट दूंगी जिसमें ये दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। ऐसी ही हमें सारी पलट देनी है। ये देखिए सारी पकौड़ियां अच्छे से पलट चुकी हैं। मैं इन्हें मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से फूल रही हैं हमारी पकौड़ियां। दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाने पर हम इसे ऐसे निकाल लेंगे, और हाथों हाथ इसे यहाँ इसमें डालते जाना है कढ़ी के अंदर। ये देखिए ये फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इन्हें ऐसे लेकर और सेम मेथड से इसमें ऐसे डालती जाऊंगी। मैंने यहाँ पर बघार का सामान लिया है, इसमें ये साबुत लाल मिर्च है, और ये थोड़ी सी ब्लैक पेपर काली मिर्च है 10-12, और ये 1/2 छोटा चम्मच जीरा है,
और ये दो लहसुन के जवे थे जिन्हें मैंने ऐसे छोटा छोटा काट लिया है, और ये आधा छोटा चम्मच दाना मेथी है। मैंने इस तेल में से आधा तेल निकाल दिया है और आधा तेल तड़का लगाने के लिए रोक लिया है। अब मैं इसमें सबसे पहले लहसुन डालूंगी। इसकी एक अच्छी सी खुशबू फैल जाने के बाद मैं ये सारे मसाले इसमें ऐसे डाल दूंगी, मेथी, जीरा और लाल मिर्च वगैरह जो जो मैंने लिए थे। मैं एक चुटकी इसमें हींग भी डाल दूंगी। अब ये देखिए हमारा तड़का रेडी हो चुका है। अब मैं इसको इसमें ऐसे डाल दूंगी। मेरी कढ़ी पकौड़ी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये कढ़ी पकौड़ी बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।